जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की दी जाएगी, जिसको देखने के बाद में आप अपने इस फॉर्म को घर बैठे मोबाइल से भर पाएंगे। तो गाइज यहाँ पर शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in, का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि ड्राइवर यानी कि कांस्टेबल ड्राइवर के 458 पद है और आप इसमें 26 जुलाई 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पद है वो आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास, साथ ही हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा गाइज यहां पर सेम जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इस भर्ती को लेकर के, आप इस वीडियो को वॉच करके और भी डिटेल में इसके बारे में जान सकते हैं। अभी यहां पर अगर आप इलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए तो आप यहां पर गाइस अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। बट मैं आपको क्या बता दूं, अगर यहां पर तो आप क्लिक करेंगे ही, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी अच्छा लगता है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। अब इसके बाद में अब यहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा एसके बुक्स की आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाट के कर सकते हैं। क्योंकि गाइज आपको इस बुक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी, यानी कि जो भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न है और जो सिलेबस है उसके आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही कम समय के अंदर कर पाएंगे। एंड अगर आप मेरा सजेशन चाहते हैं कि सर हमें बेस्ट बुक सजेस्ट कीजिए, तो मेरे अकॉर्डिंग भी आपके लिए बेस्ट बुक होने वाली है इस कांस्टेबल ड्राइवर वैकेंसी की तैयारी करने के लिए। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको बाय करने का यानी कि खरीदने का लिंक दिया है, इस लिंक का इस्तेमाल करके आप इस बुक को परचेज कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए इसको खरीदने में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। जाइए और इस बेस्ट बुक को परचेज कर लीजिए अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आईटीबीपी की वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपने आईटीबीपी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कभी कोई भी फॉर्म भरा है तो आप यहां पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर के लॉगिन कर लेंगे। एंड अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके यहां पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपकी डीओबी जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरी थी, यहां पर एक न्यू पासवर्ड और उस पासवर्ड को आप दोबारा डालकर के कंफर्म करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने क्या सिलेक्ट किया था उस वक्त जब आपने यहां पर अकाउंट बनाया था वो आप सिलेक्ट करके उसका जो आंसर आपने रखा था वो डालेंगे और एक कैप्चा कोड फिल करके सबमिट करेंगे। तो इसके बाद में आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक जो न्यू पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो आप यहां पर सिंपली न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइज यहां पर आपको जो आपका फर्स्ट नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो एंटर करना है। एंड इसके बाद में अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहां पर डालेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आप यहां पर आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे, अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे, एक पासवर्ड आप यहां पर बनाएंगे और पासवर्ड की जो लेंथ है वो आपकी कितनी होनी चाहिए वो आप जान लीजिए। पासवर्ड की लेंथ आपकी 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में, जिसमें कि एटलीस्ट एक अपर केस, एक लोअर केस और एक स्पेशल कैरेक्टर कैसा हो इसका एक जो डेम है वो आप देख लीजिए। जैसे कि मेरा नाम है अमजद तो यहां पर मैं ए कैपिटल कर लेता हूं, इसके बाद में स्मॉल वर्ड, फिर यहां पर मैं स्पेशल कैरेक्टर में इसको इस्तेमाल करता हूं और फिर यहां पर कुछ डिजिट का इस्तेमाल कर लेता हूं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्लिक करके यहां पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहां से आपका ईयर, इसके बाद में आपका मंथ और फिर डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन गाइज आप यहां पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए, इस सिक्योरिटी क्वेश्चन में से आप कोई भी यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका आंसर जो आप दे रहे हो वो आपको याद रखना है। ये आपके तब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में आपको इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होता है जो कि अभी आपने सिलेक्ट किया है और वही आंसर देना होता है जो कि अभी आपने यहां पर बनाया है। इसके बाद गाइज अब आप यहां पर जो कैप्चा कैरेक्टर है ये वाला ये आप डालेंगे और डालने के बाद इन सभी जानकारी को चेक करेंगे, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और उसके बाद पूरी तरीके से श्योर होने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि आपकी जो आपने ईमेल आईडी यहां पर रजिस्टर की है उसके ऊपर एक ईमेल जाएगी, जिसमें कि एक एक्टिवेशन लिंक दिया है। तो आपको जैसे ही ईमेल प्राप्त हो वो लिंक ओपन करना है, ओपन करने के बाद में आप यहां पर लॉगिन के पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहां पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि अभी आपने रजिस्टर की है, एंड फिर जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन
करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं ना मेरा जो अकाउंट है इस वेबसाइट के ऊपर पहले से बना हुआ है, इसलिए मैं यहीं से आपको जानकारी बताने वाला हूं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको यहां पर प्रोफाइल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी यहां पर दी हुई होगी जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त में भरी है, और कुछ जानकारी आपको यहां पर भरनी है। जैसे कि आप यहां पर जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप एंटर करेंगे, फिर जो आपका फादर का नेम है ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है, आपकी मदर्स का नेम आपको एंटर करना है, कंट्री के अंदर आप यहां पर इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, अगर नेपाल भूटान से है तो नेपाल भूटान सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहां पर नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो आपको फिल करना है। जैसे कि यहां पर आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे इन दो लाइन के अंदर, स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड डाल देना है। नीचे आता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका कोरेस्पोंडेंस यानी प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर इसके ऊपर टिक कर देंगे, अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। नाउ गाइस आपके सामने आती है अदर डिटेल, जहां पर सबसे पहले आपसे आपका रिलीजन पूछा यानी कि आपका धर्म कौन सा है, आपको आपका जो धर्म है वो यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेशनलिटी के अंदर अगर आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे, नेपाली है तो नेपाली और भूटानीज है तो भूटानीज, तो यहां से मैं इंडियन हूं, मैं इंडियन सेलेक्ट। अब यहां पर आपके सामने एजुकेशनल डिटेल का सेक्शन आ चुका है, जहां पर गाइस आपको क्वालिफिकेशन डिटेल में सिलेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइस आप यहां पर आएंगे और आपको सबसे लास्ट में 10th एंड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस देखने को मिलेगा, आपको ये वाली क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में आपने 10th किस इंस्टीट्यूट यानी कि किस कॉलेज या स्कूल से किया है उसका नाम आपको यहां पर देना है। आप यहां पर पूरे आपके स्कूल कॉलेज का पूरा नाम एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए, अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहां पर फिल करेंगे। इसके बाद यहां पर कोई और अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है और आप देना चाहते हैं तो आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपके पास दूसरी क्वालिफिकेशन है जैसे कि 12वीं विद PCM या फिर कोई डिग्री, तो वो क्वालिफिकेशन आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद में गाइज आप यहां पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम देंगे और अपनी परसेंटेज दे देंगे। अगर आप सिंपल 10वीं पास है तो आप यहां पर इसको ऐसे ही सिंपल 10वीं की जानकारी दे दीजिएगा। जेंडर आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर मैरिटल स्टेटस में बताना है मैरिड है अनमैरिड है, जो भी आपका स्टेटस है वो इसी के ऊपर आपको टिक करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, UR यानी कि जनरल SC ST OBC जो भी है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। सर्विस एक्स सर्विसमैन, तो इनमें से आपकी जो भी कैटेगरी है अगर इनमें से कोई है तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आपको प्राइवेट PSU अनएम्प्लॉयड इसके ऊपर टिक करना है क्योंकि आप फ्रेशर है तो आप यहां पर टिक करेंगे। फिर आता है रिओट, यहां पर बेसिकली आपसे पूछा कि आप 1/1/1980 से लेकर 31 दिसंबर 1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, अगर हाँ तो आप इसके ऊपर टिक कीजिए। क्या आप डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 रियोट ऐसे कैंडिडेट हैं, तो आप इसके ऊपर टिक कीजिए। 2002 का जो दंगा हुआ था उसके आप डिपेंडेंट हैं, अगर हाँ तो तीसरे के ऊपर टिक करना है। अगर आप इन तीनों में से किसी चीज से भी वास्ता नहीं रखते तो आप 4th के ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद आप यहां पर आर यू अंडरगोइंग इंटर्नशिप, तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आपको फिर यहां पर अगला सवाल है कि हैव यू रिसीव्ड MBBS MS MD डिग्री और इक्विवेलेंट, अगर हाँ तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आपको इनको अनटिक रहने देना है। एंड देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी, और सेव करने के बाद में आप यहां पर अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ही आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको आपका फोटो और साइन अपलोड करना है। यहां पर फोटो का जो फॉर्मेट है वो आपका JPEG या फिर JPG का रखा है, और साइज 30 से 100 KB के बीच में, और फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो गाइज यहां पर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, और फिर जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेमो के लिए भर रहा हूं, तो चलिए मैं यहां पर एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूं। मैं यहां पर आपका जो एक रैंडम फाइल है वो सिलेक्ट करता हूं और फिर यहां से इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद में आपकी फाइल का नेम यहां पर आ जाएगा। देन गाइज आप यहां पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसका साइज 15 से 30 KB के बीच में रखा है, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट कीजिए और यहां से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहां पर आई हैव डिक्लेयर्ड द इमेज फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड बाय मी अबो आर करेक्ट, आप यहां पर टिक करेंगे। एंड देन अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपका फोटो और साइन इस तरह से यहां पर अपलोड होकर के आ जाएगा। अब गाइज यहां पर आप एक बार फिर से इसके ऊपर टिक करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद ये जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहां पर वैसे आपके सामने आता है अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन, तो आपको यहां पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं बोला। तो गाइज अब आप यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर अगर आप इस पर एलिजिबल है आपकी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के अकॉर्डिंग, तो आपको अप्लाई का यहां पर लिंक देखने को मिलेगा। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहां पर 0 फीस एप्लीकेबल आ रहा है, तो आप यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके
के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ये सभी चेक करने के बाद आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप जो जानकारी आपने अभी भरी है वो सभी आपके सामने, आप यहाँ पर सभी जानकारी को चेक कर लीजिए। अगर लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप प्रीवियस के ऊपर क्लिक करके उसको भी एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर एक बार फिर से आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर एक्शन के नीचे जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से आएगा। अब आप यहाँ पर नीचे आइएगा और नीचे आने के बाद में आप इसको चेक कर लीजिए। अभी आप यहाँ पर अपना फॉर्म प्रिंट करना चाहते तो आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके, अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल वे में आप अपना आईटीबीपी ड्राइवर फॉर्म 2023 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।